हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विशाखा क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं आम का अचार। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 केरी ली है, नमक, ये पीली राई ली है, सौंफ, हल्दी, सरसों का तेल, मेथी और मिर्ची। अब केरी लेंगे और उसको अच्छे से हल्दी लगा देंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें हम और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ऐसे करना है, आप देख सकते हो अभी अच्छे से मस्त हो गए, हल्दी सब पे लग गई है। ध्यान रखना है हर केरी पे अच्छे से हमारी हल्दी लग जानी चाहिए। आप ऐसे कोई भी कपड़ा ले सकते हो और उसमें हम केरी रख देंगे। अभी आप चाहे तो इसको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो, पूरे एक दिन पूरा रहना चाहिए या 2 से 3 घंटे के लिए धूप में भी आप सुखा सकते हो। अच्छे से अपनी केरी का पानी अच्छे से सूख जाना चाहिए। आम का अचार के लिए सबसे पहले हम तेल लेंगे। मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ, सब सरसों का तेल ले रहे। मैंने बनाना 1/2 कप ऑयल लिया है। अब हम इसमें पीली सरसों डालेंगे। मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच लिए। अब हम इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, 1 चम्मच मेथी लेंगे। अब लाल मिर्ची डालेंगे, यहाँ पे मैं कश्मीरी मिर्ची यूज कर रही हूँ। मैंने 2 चम्मच लिए हैं। अगर आप थोड़ा स्पाइसी या कुछ खाते हो तो आप और भी ले सकते हो। और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देख सकते हो अच्छे से मस्त मिक्स हो गया ये हमारा मसाला। अभी देख सकते हो केरी मस्त कितने अच्छे से हो गई है, सूख गई है केरी अच्छे से। अब हमारी ये केरी अपने मसाले में डाल देंगे। अब ये मसाले में डाल रही हूँ केरी में, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें एक दिन हो गया मेरा अचार को मैंने रखा अच्छे से। अब हम एक क्लीन कांच की बर्नी में इसको फिल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कांच की बर्नी ली है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं, अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। अब जब भी यूज करें क्लीन होना चाहिए ये कांच की बर्नी। अब हम इसको फिल कर लेंगे, जब तक ये फिल कर रही हूँ आप तभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये आम का अचार कैसे लगा है, और ज़रूर बनाइए, सभी को खिलाइए। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना। अब हम तेल डाल रहे और अच्छे से केरी जो है अपने अचार वो अच्छे से फिल हो जाना चाहिए तेल में। केरी अच्छे से तेल में डूब जानी चाहिए, बाकी नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी अपने अचार। अब जब भी यूज करेंगे इसको तो चम्मच जो यूज करोगे वो क्लीन होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा भी पानी जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। अब हम इसको टाइट बंद कर देंगे और ये 15 दिन के बाद अच्छे से रेडी हो जाएगा खाने के लिए। आप किसी के भी साथ खाइए ये।